हेलो प्यारे बच्चों, हम थर्ड ईवीएस का आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 15, जिसका नाम है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स, हमारे दोस्त जानवर। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक। जो क्लास में बच्चे थे वो हैरान हो गए एक आवाज़ सुन के, टक आवाज़। ठीक है। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। ये साउंड कहाँ से आई? सीलिंग फैन से, जो ऊपर छत के साथ फैन होता है उसे सीलिंग फैन कहते हैं, उससे ये आवाज़ आई। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी ने चिल्लाया, लुक लुक ए बर्ड इज हर्ट। देखो देखो एक पंछी जख्मी हो गया है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिकड अप द बर्ड। पीटर उठा और इस बर्ड को उठाया। इट वॉज इन पेन, ये दर्द में था, ये बर्ड, इस बर्ड को दर्द हो रहा था। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बाउल। नवजोत और अली जो है उन्होंने जल्दी से एक बाउल में पानी लाया। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने बड़े प्यार से उस बर्ड को सहलाया। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। उन्होंने बाउल जो है वो इस बर्ड की, इस पंछी की चोंच के पास वो ले गए बाउल। इट ड्रैंक ए लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। इसने पानी पिया और अपने परों को आहिस्ता आहिस्ता फड़फड़ाने लगा। जब पंछी उड़ता है, उड़ने से पहले अपने पर फड़फड़ाता है। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ने कहा सारे बच्चे पीछे चले जाओ ताकि उसको उड़ने की स्पेस मिल सके, जगह मिल सके उस पंछी को। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि बर्ड जो है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। इन ए वाइल द बर्ड फ्लू अवे। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जो बर्ड है वो उड़ के चला गया। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सा ए बर्ड सर्कलिंग अबाउ देम इन देयर क्लासरूम। दूसरे दिन बच्चों ने एक पंछी देखा जो क्लासरूम में उनके सर के चारों ओर चक्कर मार रहा था। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये वही पंछी है जो पिछले दिन हर्ट हो गया था, चोटिल हो गया था। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। उन्होंने जल्दी से फैन बंद कर दिया और क्लैप्स करने लगे कि वो पंछी ठीक था। इसके बाद क्वेश्चन है इसका, राइट पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इन सेंटेंसेस को जो नीचे लिखे हुए हैं इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखो। करेक्ट ऑर्डर मतलब जो घटना इस लेसन में पहले हुई है उसको पहले लिखना है, उसके बाद वाली घटना को बाद में लिखना है, उसके बाद वाली को बाद में लिखना है, इस तरह से सीक्वेंस में लिखना है इसको। ठीक है। तो इसमें पहला है पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, जैसे मैंने अभी कहा इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने बड़े प्यार से बर्ड को सहलाया, इसमें पहले लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है द चिल्ड्रन सा ए बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। बच्चों ने जब क्लासरूम में गए वो, तो उन्होंने देखा कि बर्ड उनके सर के चारों ओर चक्कर मार रहा है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बाउल। नवजोत और अली ने जल्दी से एक बाउल पानी का लाया। द बर्ड फ्लू अवे, बर्ड उड़ गया। द बर्ड हर्ट इट सेल्फ विद द फैन, बर्ड ने अपने आप को फैन से ज़ख्मी किया। अब इनमें आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये गलत है, जो वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है ये आपको सही करना है। तो इसको मैंने सही किया हुआ है, या देख लीजिए। पहले आएगा आपका द बर्ड हर्ट इट सेल्फ विद द फैन। सबसे पहले बर्ड को चोट लगी,
उसके बाद अगला आएगा जब बर्ड को चोट लगी उसके बाद नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट द वाटर इन ए बाउल। जो नवजोत और अली है उन्होंने जल्दी से बाउल में पानी लाया, ये इसके बाद आएगा। उसके बाद आएगा पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, पीटर ने प्यार से बर्ड को सहलाया। उसके बाद आएगा द बर्ड फ्लू अवे, बर्ड उड़ गया। उसके बाद लास्ट में आएगा द चिल्ड्रन सा ए बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, बच्चों ने जो बर्ड है एक बर्ड देखा जो क्लासरूम में उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। शंकर वाज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत खुश था। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 kittens, एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, उसके 4 बच्चे पैदा हुए थे। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हिज हाउस, अपने घर के आंगन में, कोर्ट यार्ड जो होता है वो आप आंगन मान सकते हैं, एक ऐसी जगह घर में जो छत के बगैर होती है तो आंगन कहेंगे हम उसको। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, उसने अपना खाली टाइम, अपना खाली समय, अपना खाली वक्त उसके साथ बिताना शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई, एक सुबह शंकर अचानक से जाग गया जब उसने बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी। डू यू नो हाउ ए कैट क्राइज, आपने तो बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी होगी, जैसे बिल्ली म्याऊ करती है जब वो रोती है तो उसकी आवाज़ कुछ कुछ इंसान के बच्चे के रोने की जैसी आवाज़ होती है। ही रैन टुवर्ड्स द कोर्ट यार्ड, वो कोर्ट यार्ड की ओर भागा। ही सा दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 kittens, उसने देखा जो बिल्ली है वो अपने 3 बच्चों को कडल मतलब हुआ गले लगाना, अपने साथ चिपका के रखना, वो कर रही थी और रो रही थी। वन ऑफ द kittens वॉज मिसिंग, उनमें से एक किटन मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग ए किटन, वो बाहर गया और उसने बाहर देखा कि मालिनी एक किटन को पैट कर रही है मतलब सहला रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इन टू हिज कोर्ट यार्ड, शंकर ने मालिनी को कोर्ट यार्ड में बुलाया, अपने आंगन में बुलाया। मालिनी सा द कैट क्राइंग, मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। आपको पता है वो क्यों रो रही थी, क्योंकि वो बिल्ली अपने एक बच्चे को लेके परेशान थी, वो बच्चा उससे दूर था, उसके पास नहीं था, इसलिए वो रो रही थी। अब है इसका क्वेश्चन, थिंक व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया होगा। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर है आई थिंक मालिनी वुड हैव टेकन द किटन टू द कैट, मुझे लगता है कि मालिनी ने वो बिल्ली का बच्चा बिल्ली को वापस दे दिया होगा। तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में इस चैप्टर का बाकी हिस्सा हम पढ़ेंगे।